हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर आरुषि फ्रॉम डर्मा क्लिनिक्स। पिछली काफ़ी दिनों से मुझे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है कि हमें कुछ कुछ डाउट्स हैं सनस्क्रीन से रिलेटेड। सो आई थॉट चलिए इस बार हम सनस्क्रीन रिलेटेड एक वीडियो बनाते हैं। इस वीडियो में मैं बेसिकली जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले कॉमन क्वेश्चंस हैं सनस्क्रीन के बारे में, मैं उससे रिलेटेड इस बारे में सनस्क्रीन के बारे में बात करूँगी आपसे इस वीडियो में। पहला क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा मुझसे पूछा गया है, दैट इज़ कि हमारी स्किन के लिए, जैसी हमारी स्किन टाइप है, सबसे अच्छा सनस्क्रीन हमें कौन सा रहेगा, क्या सूट करेगा। देखिए, मार्केट में इस टाइम बहुत सारे सनस्क्रीन्स अवेलेबल हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए आपका स्किन थोड़ा ड्राई है और डल है साथ में, तो ड्राई और डल के लिए हमेशा एक क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन बेटर रहता है। बिकॉज़ क्या है, ऐसे में अगर आप जेल बेस्ड या लोशन बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ करेंगे तो उसका कुछ बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं रहने वाला है, उसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और वो इनफैक्ट आपकी स्किन को थोड़ा ड्राइनेस ही देगा और स्ट्रेची सेंसेशन लगेगा। सेकेंडली, जिनकी ऑयली स्किन है, ऑयली स्किन के लिए मैं थोड़ा सा रिकमेंड करूंगी या तो आप लोशन बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ करें या फिर जेल बेस्ड सनस्क्रीन यूज़ करें। बिकॉज जैसे मैंने बताया, उसमें वाटर कंटेंट ज़्यादा होता है और बाकी ऑयल कंटेंट कम होता है, सो दैट विल बी गुड फॉर यू। थर्डली, अगर नॉर्मल से कॉम्बिनेशन स्किन है तो इन बिटवीन लोशंस आर बेस्ट फॉर यू। और कुछ स्पेसिफिक टाइप की सनस्क्रीन्स अवेलेबल होती है मार्केट में, जैसे कि एक टाइप होता है मैट फिनिश या सिलिकॉन बेस्ड सनस्क्रीन। मैट फिनिश और सिलिकॉन बेस में क्या होता है, जब आप उसको लगाते हैं आपको एक बहुत अच्छा फील आता है, एक थोड़ा सा आपको एक ग्लोई सा लुक भी लगता है, बहुत क्लीन सा लगता है। बट उसमें प्रॉब्लम ये है कि वो बस एक कोटिंग दे रहा है आपके स्किन को, कुछ बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन नहीं रहता उसमें। एंड सेकेंडली, जिनको एक्ने और पिंपल्स का प्रॉब्लम रहता है, तो जब वो कोटिंग बन जाती है मैट फिनिश सनस्क्रीन से, उससे पिंपल्स और बनने लगते हैं। सो आई प्रेफर कि मतलब ये उतना सनस्क्रीन सूटेबल नहीं है फॉर पीपल जिनको एक्ने और पिंपल्स का प्रॉब्लम है। थर्डली, एक होता है टिंटेड सनस्क्रीन। टिंटेड सनस्क्रीन में थोड़ा सा फाउंडेशन बेस वगैरह रहता है, उस कलर का रहता है वो। सो वो फॉर पीपल जो वर्किंग है, जिनको थोड़ा सा ऑन स्क्रीन टाइम है जिनका, या फिर आप ऑन द मेन स्टेज रहते हैं, सो आई थिंक आप लोगों के लिए टिंटेड सनस्क्रीन इज गुड फॉर यू। सो दैट उसमें बहुत ज़्यादा कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है, एंड उससे भी काफ़ी अच्छा फेस हाइड हो जाता है, कोई भी ब्लेमिशेस वगैरह रहते हैं तो वो सब हाइड हो जाते हैं। थर्डली, एक और रहता है जिसे हम कहते हैं फिजिकल सनस्क्रीन। फिजिकल सनस्क्रीन में बेसिकली जिंक ऑक्साइड, टाइटेनियम ऑक्साइड ये रहता है, ये बेस्ट टाइप का सनस्क्रीन है, सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन इसी सनस्क्रीन में रहता है। बट इसके साथ ये है कि जब आप इसको लगाते हैं तो इसमें वाइट कलर का कोटिंग रह जाता है और वो कोटिंग देखने में अच्छा नहीं लगता। बट हर चीज़ के कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स रहते हैं, आई एग्री टू इट। बट जो लोग बहुत ज़्यादा, जिनका सन एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, या आप एथलीट हैं, या फिर कुछ मार्केटिंग उसमें है, या आपका सन एक्सपोजर किसी भी वजह से बहुत ज़्यादा है, या आप स्विमिंग कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, तो तब आई विल रिकमेंड कि आप फिजिकल सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करें। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हाउ टू यूज अ सनस्क्रीन। देखिए, सनस्क्रीन में ऐसा नहीं रहता कि आपने एक बार लगाया और पूरे दिन आपकी प्रोटेक्शन हो गई, नो नॉट एट ऑल। सनस्क्रीन में ये रहता है कि आपको उसको बार बार रिपीटेडली लगाना पड़ता है। अभी आपने लगाया एक बार और देन आपको 2 से 3 आवरली उसको रिपीट करना पड़ेगा, उसके बाद दोबारा लगाना पड़ेगा। सो आइडियली हम रिकमेंड करते हैं 4 से 5 बार लगाया जाए, सो दैट विल बी गुड इनफ फॉर यू। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू यूज अ सनस्क्रीन, हाउ आई मीन टू से कितना अमाउंट उसका चाहिए सनस्क्रीन का ऑन एवरी एप्लीकेशन। देखिए क्या होता है, हम लोग क्या सोच रहे हैं कि ठीक है, थोड़ा सा सनस्क्रीन लिया, पूरे फेस पे लगा लिया, या हम बहुत ज़्यादा लगा लेते हैं, तो मतलब वो एक सही नहीं रहता तरीका लगाने का। उसमें एक फिक्स अमाउंट होता है, एक जस्ट एक कॉमनली आप ये कर सकते हैं डेली रूटीन में, कि जैसे आपका ये फिंगर टिप है, आपने एक फिंगर टिप पे लिया, उसको 1/2 ऑफ द फेस पे लगा लिया, दोबारा लिया ऑन 2/2 ऑफ द फेस पे लगा लिया, तो ऑन एवरी एप्लीकेशन अंदाजा इतना हो जाए कि 2 फिंगर टिप जितना अमाउंट आपका टोटल लग जाए ऑन एवरी एप्लीकेशन। नेक्स्ट आता है कि मॉइस्चराइजर अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो क्या वो सनस्क्रीन से पहले यूज़ करना चाहिए या सनस्क्रीन के बाद यूज़ करना चाहिए। देखिए, सनस्क्रीन आई रिकमेंड कि सबसे टॉप लेयर होना चाहिए। तो आप जो भी चीज़ें, जो भी प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, अगर आप मॉइस्चराइजर के बारे में पूछें तो मॉइस्चराइजर पहले लगाइएगा और सनस्क्रीन उसके बाद लगाइएगा।
सो ये मेरे बेसिक क्वेश्चंस थे जो सबसे ज़्यादा पूछे गए मुझसे, तो इनका मैंने अभी आपको आई होप आपको थोड़ा सा क्लियर किया होगा। एंड अगर आपको लगता है कि कुछ भी और डाउट्स हैं या आप मेरे मुझसे और संस्कृत के बारे में पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिएगा। एंड थैंक यू।